तीन मौत होली है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, प्रशासन की टीम आड़े खड़ी है। यह घटना इसी है जो इतिहास के पन्ने में दर्ज होली है। राजस्थान में चूरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के भैंसली गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की एक महीने के भीतर मौत हो गई। राजस्थान पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर में लगातार रहस्यमय तरीके से आग लग रही है, जिस वजह से पुलिस हैरान और चिंतित है। इस घटना से गांव के लोगों में भी दहशत है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन मौतों के बाद घर में अक्सर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक हो रही मौतों और आग से परिवार खौफजदा है। पुलिस भी आग लगने की घटना का मौका मुआयना करने आई थी, लेकिन वह भी कुछ पता नहीं लगा पाई। थाना प्रभारी मदन लाल विश्नोई ने कहा, पुलिस ने गुरुवार को 4 साल के बच्चे की मौत का कारण जानने के लिए उसका शव कब्र से निकलवाया। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद शव को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम किया गया और मौत का कारण जानने के लिए विसरा के नमूने जोधपुर की FSL लैब में भेजे गए हैं। एक महीने के भीतर परिवार में 3 रहस्यमय मौतें हुई हैं। मरने वालों में भूप सिंह की माँ और उनके 2 छोटे बेटे हैं। मदन लाल विश्नोई ने आगे कहा कि तीनों की उल्टी आने के बाद मौत हो गई। यह जांच का मामला है। पिछले 14 दिनों से घर में अचानक आग लगने के मामले सामने आए हैं, जिसकी जांच हमारी टीम कर रही है। हमने पिछले 2 दिनों से घर के बाहर अपनी टीम तैनात कर रखी है, हालांकि तब से आग लगने का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को 82 वर्षीय माँ का निधन हो गया। सुबह करीब 6 बजे उसे उल्टी हुई थी। 13 फरवरी को उनके पोते 4 वर्षीय गर्वित को उल्टी हुई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। फिर 28 फरवरी को गर्वित के 7 वर्षीय भाई अनुराग की भी उल्टी आने के बाद मौत हो गई। घर में आग लगने का सिलसिला 29 फरवरी को 3 मौतों के बाद शुरू हुआ। कभी दीवार पर लटके कपड़े, कभी बिस्तर, तो कभी जानवरों के चारे में आग लग जाती है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग कौन, कैसे और क्यों लगा रहा है। भूप सिंह ने माँ और अपने बड़े बेटे का अंतिम संस्कार किया, जबकि छोटे बेटे के शव को दफनाया गया। अधिकारियों ने कहा कि हम शव से सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हमने उसे खोदकर निकाला है। FSL की रिपोर्ट का इंतजार है। अचानक लगी आग से न सिर्फ परिवार के लोग बल्कि पूरा गांव दहशत में है। घर का सारा सामान बाहर निकाल लिया गया है। घर के बाहर पानी के टैंकर लगाए गए हैं। कोई इसे काला जादू मान रहा है तो कोई कुछ और। हालात ये है कि ग्रामीणों को यहाँ पर पहरा देना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि भूप सिंह के घर में बेडरूम, रसोई, कमरों, पशुओं के चारे, नोहरे, संदूक, कपड़ों में भी आग लग रही है। रात को भी अचानक आग लग जाने की गांव के दर्जनों लोग पहरे पर रहते हैं, लेकिन फिर भी आग लग जाती है।